नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। कर्नाटक में 1698 गांव बाढ़ की चपेट में, राजस्व विभाग का है अनुमान। कर्नाटक के कब्बाली गांव के एक स्कूल में बच्चों के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी ने की मस्ती। फिल्म कोटेशन गैंग की शूटिंग के लिए पहुंची थी कर्नाटक। तेलंगाना के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए KCR लापता के पोस्टर, कहा विधायक अपने लोगों से नहीं मिल रहे। अगर TDP को नहीं मिला लोकसभा स्पीकर का पद तो यह गठबंधन देगा उन्हें समर्थन, बोले शिवसेना UBT के नेता संजय राउत। DRDO ने बना ली महाशक्तियों वाली सुपर सैनिक मिसाइल, दुश्मनों का नाम मिट जाएगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के शाहपुरी में बेकाबू ऑटो ने लोगों को मारी टक्कर, CCTV में कैद हुआ हादसा। आतंकवादियों की सहायता करने वालों को बख्शा नहीं जाए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कही यह बात। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर में 4 आतंकी हमले, गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई हाई लेवल बैठक। दिल्ली जल संकट, आम आदमी पार्टी के विरोध में BJP 14 जगह कर रही प्रदर्शन। सांसद की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। जल संकट के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर किया पथराव। काउंटिंग सेंटर के अंदर मोबाइल इस्तेमाल करने के मामले में सांसद रविंद्र वाइकर के साले पर FIR दर्ज। पटना के बाढ़ में गंगा नदी में फंसी नाव, 13 लोगों को बचाया गया, 4 अब भी लापता। कश्मीर की सुरक्षा पर बड़ी बैठक, गृह सचिव अजय भल्ला समेत कई अधिकारी होम मिनिस्ट्री पहुंचे। मंत्री आतिशी का बड़ा दावा, दिल्ली में पानी की पाइपलाइन काटने की हो रही साजिश। T20 विश्व कप में AUS ने स्कॉटलैंड को 5 विकेट से हराया, PNG की सुपर आठ में हुई एंट्री। गंगा दशहरा के अवसर पर अयोध्या में उमड़े श्रद्धालु, राम मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार। दिल्ली में जल संकट पर BJP सांसद, अपने संसदीय इलाकों में आपके खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे बड़ी बैठक। संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ अम्बेडकर शिवाजी की मूर्तियों का आज अनावरण। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए आज करेंगे बैठक। उत्तराखंड में हुए सड़क हादसे पर यूपी के सीएम योगी ने जताया शोक, अधिकारियों की टीम रुद्रप्रयाग जवाया। नीट विवाद में अब कपिल सिब्बल की एंट्री, कर दी यह बड़ी मांग, सुप्रीम कोर्ट से है कनेक्शन। दिल्ली भोपाल ट्रेन में अचानक दिखे शिवराज मामा के पास दौड़े आए बच्चे, लेने लगे सेल्फी। अमेरिका में वाटर पार्क में हुई गोलीबारी, 2 बच्चों समेत 10 लोग घायल, संदिग्ध फरार। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल 24/7। धन्यवाद।